नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इलाज के लिए भटकता रहा गंभीर मरीज, बढ़ेगी टोल टैक्स की दरें। सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र पर कायम है प्रताप। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मरीज के परिजन अक्सर गंभीर अवस्था में उसे लेकर उपचार के लिए प्राथमिक रूप से सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, खासतौर पर जब मरीज आर्थिक रूप से कमजोर हो, लेकिन सरकारी अस्पतालों में उपचार नहीं मिल पाने पर उन्हें भटकना पड़ता है। सोमवार को ऐसा ही एक मामला नागपुर में सामने आया है। कस्बापुरा निवासी उस्मान खान को दो दिन पहले उनके परिजन उन्हें मेवो अस्पताल में उपचार के लिए ले गए थे, लेकिन तब डॉक्टरों ने उपचार के बाद यह कहकर उन्हें वापस भेज दिया था कि सब कुछ सामान्य है। सोमवार को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर परिजन उन्हें फिर से मेवो अस्पताल ले गए। समाज सेवी फजलुर रहमान कुरैशी ने बताया कि सोमवार को मेवो अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें आईसीयू में रखना जरूरी है, लेकिन मेवो में आईसीयू बेड खाली नहीं है, वेंटिलेटर भी नहीं है, इसीलिए उन्हें वार्ड में भर्ती कर सकते हैं, लेकिन मरीज की तबीयत गंभीर होने की वजह से हम लोगों ने आईसीयू में रखने पर जोर दिया। व्यवस्था नहीं होने की वजह से उपचार की आस के लिए उन्हें मेडिकल लेकर गए, लेकिन आईसीयू में बेड नहीं मिला। दूसरी खबर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्दी ही सभी टोल नाकों पर टैक्स की दरें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। टोल टैक्स में हर साल की जाने वाली बढ़ोतरी के तहत इस साल भी टोल बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। फिलहाल प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। डीजल पेट्रोल के रेट में लगातार जारी बढ़ोतरी के बाद वाहन चालक टोल रेट में इजाफे को लेकर भी चिंतित हैं। एनएचआई सूत्रों के अनुसार वाहनों की श्रेणी के मुताबिक टोल रेट में करीब 15% तक का इजाफा हो सकता है। तीसरी खबर, प्रताप सरनाइक अभी भी अपने द्वारा लिखे पत्र पर कायम है। प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर शिवसेना को बीजेपी के साथ सरकार बनाने की अपील की थी। प्रताप सरनाइक ने आरोप लगाया कि जब ईडी की कार्यवाही उनके ऊपर हो रही थी उस वक्त शिवसेना उनके साथ नहीं थी, इस बात का उन्हें दुख है। सरनाइक ने कहा कि वह कहीं छिपे नहीं थे, बल्कि उनका इलाज हो रहा था और उनकी पत्नी भी कैंसर से पीड़ित है। भागने के लिए मैं कोई विजय माल्या या नीरव मोदी नहीं हूँ। सरनाइक ने आरोप लगाया कि कंगना रनावत और अर्नब के खिलाफ बोलने के चलते उन्हें परेशान किया जा रहा है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।